पिछले कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नाराजगी का दौर चल रहा है। मंत्री टीएस सिंहदेव कई बार तीखे बयान दे चुके हैं। एक बार फिर कांग्रेस में रहते हुए उनका दर्द छलका है। दरअसल टीएस सिंहदेव की आपत्ति कलेक्टर और एसपी को लेकर थी। इस पर उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए, फिर आपको बताएंगे इस पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या रिएक्शन दिया। कि कलेक्टर एसपी कहीं पर भी शिष्टाचार में भी अपनी उपस्थिति उनकी नहीं हुई, दंतेवाड़ा में भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। मेरे उम्र में भी काफी कम है, बच्चे ही हैं, मेरे बच्चे होते तो शायद इन्हीं की उम्र के होते। तो एक सामान्य सी चीज है कि शिष्टाचार रखना चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा आया है, आपसे प्रोटोकॉल में कोई बड़ा आया है, तो सामान्य शिष्टाचार है कि आके आपको, इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई मिलने आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटे हो जाएंगे। तो इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। समाज में और व्यवस्था की जो शिष्टाचार है उसका पालन जरूर करना चाहिए। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सभी मंत्रियों के साथ कलेक्टर और एसपी नहीं रह सकते। जिस जिले में वहां के प्रभारी मंत्री दौरा करते हैं उनके साथ कलेक्टर एसपी मौजूद रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के प्रभार वाले जिले के कलेक्टर एसपी यदि उनके साथ नहीं रहेंगे तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। मध्य प्रदेश के जमाने में भी हम लोग मंत्री थे, तब हमारे साथ कलेक्टर एसपी नहीं रहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की कार्यकुशलता, व्यवहार और लोगों के साथ संपर्क से शासन की छवि बनती और बिगड़ती है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? इस मामले में कौन सही है, सीएम भूपेश बघेल या फिर टीएस सिंहदेव? अपनी राय जरूर कमेंट करें।